महिला के बारे में हम बात करने वाले हैं, सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि 3 साल के रिश्तों को शर्मसार करने वाली महिला के बात करेंगे जो 7 जन्म निभाने का वादा करती हैं, उन महिलाओं को उन बात करेंगे जो रिश्तों के शर्मसार कर दी, उन पिता से बात करते हैं, उनकी दर्द के बारे में जानेंगे, उन बहन के दर्द के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस भारी देखिए पूरे गाँव के लोग हैं और पूरे गाँव के लोग के बीच में आज ये लोग खड़ी हैं और विवश है, इसलिए विवश है। जानते हैं साहब क्यों? क्योंकि इन्होंने जानता है कि प्रशासन पर से भरोसा उठ चुका है। जो व्यक्ति की मौत हो जाती है उस व्यक्ति पति की मौत हो जाती है और ये बताया जाता है कि डूब के उनकी मौत हो गई है। मौत हो गई है चलिए वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब उनकी शव आई तो आप कहां थी महारानी? आपको तो आना चाहिए उनके साथ, आप तो आई नहीं। सबसे बड़ी आपका गलती है और इससे स्पष्ट होता है कि आपने हत्या करवाया है और सबका कहना है कि वो महिला बच्चलन थी और उसका किसी से प्रेम प्रसंग था और ये सत्य है क्योंकि ये सभी लोग झूठ नहीं बोल सकते। उन माता पिताओं का दर्द समझिए, उन बहन का दर्द समझिए, आखिर इन सबका तो गलती होगा लेकिन मासूम बच्चे का क्या गलती था जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो दिया? इनके भविष्य का क्या होगा, इनके फ्यूचर का क्या होगा, कौन सोचेगा इनके बारे में, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या होगी? इनके चलिए उनसे उनके पिताजी से बात करते हैं और उनकी माँ से बात करेंगे और इनके दर्दों के बारे में हम जानेंगे। नाम था आपकी बेटी का? बिरजेश। बिरजेश नाम था। बिरजेश का उम्र लगभग कितना था? 25 वर्ष का। बिरजेश का उम्र मतलब 25 वर्ष उम्र है तो शादी कब हुई थी उनकी, कितने साल पहले? हाँ भाई याद नहीं कर पा। 3 साल पहले 2019 में, यानी लगभग 3 साल पहले। हाँ। कितने बच्चे हैं उनके? दो बच्चे हैं। कैसे हत्या हो गई, कुछ कैसे आप लोगों को जानकारी मिला? बाबू गोइले ऐसे गोइले राय से गोइले बुलावल लो राय से गोइले ये आई नेता तक घुमावे को बिया पड़ल बा गोइले ऐसे बोल चाल गोइले केकरा से बतियारी केकरा से ना। और पहले भी बोल चाल होता था या पहली बार हुआ था? हाँ बोल चाल गोइल लो। मुझे जहाँ तक गुप्त सूचना के आधार पे पता चला कि पूर्व में भी वो लोग बांध के पिटाई करते थे उनका, तो आप लोग खुद मतलब आप लोग समझाए नहीं कि भाई जाओ मत वहाँ पर, वहाँ जाने से तुम्हारी जान की खतरा है? समझाओ नहीं ना बोला ले देखिए हर माँ पिता का एक सपना होता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारा सेवा करेंगे और सत्कार करेंगे, लेकिन एक माँ और एक पिता का उम्मीद टूट गया और उम्मीद टूटने का मुख्य कारण यही है कि समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चलन महिलाएं हैं जिसके वजह से उसके बाप और उसके माता पिता को नाम तो हंसाई होता ही है लेकिन साथ साथ ससुर और गांव समाज का भी नाम है। उनकी ननद है और जो मृतक है उनकी बहन है। आप लोग उनकी बहन है जी? आप लोग के कैसे सूचना मिलाई? दीपाली के प्रेम गई लोन ससुरारी ओकरा बाद में ये 2 लाख रुपया लिया के धैले बा उनकरा सामने, शादी उनकर बहन के पड़ रहा है हमरा भाभी के बहन के, ओकरा बाद में 2 लाख रुपया धैले बाड़े लो। ओकरा बाद में छठ के दिन रात में भैया बात कैले बाड़न ये लो राय पत्र ले लो मारे खातिर भैया के जान से खेले खातिर, ओकरा बाद में फोन कैले बाड़न 10 बजे करीब में रात में कलन बड़ों के पता रहे जैसे कहा था नहीं कि जान मारे के प्लान कर ले रहे लोग भैया हमारे कहले बड़ो। अच्छा। 10 बजे रात के कि बाबी हमरा के जान से खेले खाती राय कर तरे तो जब भैया रउआ कहलन कि जान से मारे के प्लान कर ले तो रउआ का कहनी? हम कहनी भैया तू भाग के चलो कह तरन कि ठीक बा। ओकरा बाद में ई लोग सुन ले बाड़ो कि अपना बहन से कह तरन तो ई लोग मोबाइल छीन के स्विच ऑफ कर देले बा। रात भर फोन कैले मैं रात भर फोन नहीं खेल खाली मोबाइल बंद खाली मोबाइल बंद वो लोग मोबाइल पर लगाई तो हमारे नंबर ब्लैक कर दिले ले लो। ओकरा बाद में सुबह वो अपने से फोन कर ले लो कि अपना पापा का बॉबी भेजो कि बिरजेश बाबू मर गए बाड़ा। जानते हैं पत्नी और पति का रिश्ता जो होता है पवित्र का रिश्ता होता है और इन रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक ऐसी महिला जो समाज को मतलब गंदा करते जा रही है कहीं ना कहीं समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है और समाज में अगर ऐसी महिला है तो चाहे उनके माता पिता है उनसे भी कहना चाहते हैं ऐसी लड़की को उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे चीज़ फैल रहा है कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है और उनकी जो है पिता हैं इनसे भी बात करना चाहते हैं। बताइए आपके लड़के हैं, हमने जैसे गुप्त सूचना के आधार पर मुझे जानकारी जहाँ तक मिला कि पूर्व में वो लोग बांध कर पिटाइयाँ करते थे, तरह तरह के बातें भी करते थे और कोई कुछ उनके जो ससुर थे शायद वो भी कहते थे कि आप लोग समझाइए इन्हें वरना हम समझा देंगे और शायद दिन भी आ गया उन्होंने समझाया नहीं लेकिन दुनिया से जरूर उन्हें उठा दिया। बैटरी से चलने वाली स्कूटर जिसे एक बार चार्ज करे और 160 किलोमीटर चले 70 के टॉप स्पीड, सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट का लिथियम पासपोर्ट बैटरी, डबल सुरक्षा के साथ OKIB को अपनाए, अपने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाए। जब दीपावली के बिहान भैया गए दीपावली बिहान भैया गए बोलल न्योता खातिर काम उतर करे खातिर तो गए बाद में 2-4 दिन रुकल है
दू तीन दिन रुकल के बाद हाँ दू तीन रुकल के बाद मैं अलू अपन लड़की लड़का के साथ है देख लल है वालों के कब से मालूम रहे कि कोनो लड़का लड़की के साथ रही उ हमें से कहल है कब कहल है छठे के दिन कहल है हाँ छठे के दिन कहल है हमें से 10 बजे करीब मैंने दिन के कहल है तो हमू कहल बानी बाबू तू चल आओ तू चल आओ तो वो कह रहे हैं ना हम एवर ना आए हमें से कहल बड़ी लू जहन छठ के पारना का विदा कह देवे के जानते हैं एक प्रेमी में जो सुख सवार तब खोते हैं ना वो आपके पति में भी वो सुख सवार मिल सकता है लेकिन उस तरह से आपको रहना पड़ेगा उस तरह से आपको घर में रहना पड़ेगा सबका इज्जत करना पड़ेगा सम्मान करना पड़ेगा लेकिन इस गांव में तमाम जो है युवा लोग हैं इन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि समाज में इस प्रकार से हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज की दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से धमाका धमाका धनतेरस दीपावली छठ के शुभ अवसर पर आदर्श ड्रेसेज में अब हर आइटम की खरीदारी पर 30% की भारी छूट मेन रोड सब्जी बाजार के सामने डाक बंगला मार्केट में खुल गया जिनका मृत्यु हो गया उनकी पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी हत्या करवा दी गई है कहाँ तक इसमें आपको सच्चा लग रहा है सच्चाई है कि पहले से उस किसी लड़के के साथ उसका अफेयर था अच्छा। और वो पहले से यहाँ पर भी थी तो बात करती थी चुपचोरी करके मोबाइल और जब छीन लिया जाता था मोबाइल छीन लिया जाता था तो और मोबाइल लेकर दूसरे से भी बात करती थी और वो अपने यहाँ भी रहना चाहती थी और वहाँ जब जाती थी तो उसको बंधवा कर पिटवाती थी उसको ठीक है इसी तरह करते करते मतलब झगड़ा चलता रहा बराबर उसके बाद बुलाकर उन लोगों उसको ब्रजेश कुमार को बुलाकर और उनका मृत्यु कर दिया गया छठ के सुबह। अगर आपके साथ इस तरह से घटना होती है तो कहीं ना कहीं समाज में बैठ कर इसका समझौता करिए और दुनिया का कोई ऐसा बात नहीं है जो समाज में उसका समाधान नहीं हो सकता और जो समाज में समाधान नहीं हो सकता ना साहब वो मतलब उसका कहीं समाधान नहीं हो सकता है सिर्फ ऊपर ही समाधान हो सकता है तो आपसे इतना ही विनती कहेंगे जरा इन बच्चों को दिखाइए और एक कितना मासूम बच्चा है और ये शायद सोच रहा होगा कि हमारे पिताजी कहीं गए होंगे लेकिन इस बच्चे को पता नहीं है कि इनके पिता कहाँ है लेकिन इनके पिता इस दुनिया को छोड़ चले गए हैं और कहीं ना कहीं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक परिवार पर एक दुख का पहाड़ में जो परिवार का इकलौता एकमात्र जो पालन करता था पोषण करता था परिवार का देख रेख करता था सबसे तो पहले कहेंगे उन पिता का उम्मीद टूट गया जिन्होंने लगभग 22-23 वर्षों तक पाला उन्हें पाला और इस उम्मीद में यही पाला कि अगर हमारे जीवन का जब अंत काल आएगा तो हमारे बेटे दौड़ के आएंगे लेकिन परिवार में कैसा हालात बन जाएगा परिवार की एक स्थिति हो जाएगी कि एक छोटा सा बच्चा जो सबको टुकुर टुकुर देख रहा है लेकिन इसे पता नहीं कि हमारे पिता कहाँ है लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चलन महिला को सोचना चाहिए जिन्होंने पति के मर जाने के बाद में हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया कि अगर पति मर जाता है ना तो विधवा महिला उजला साड़ी पहनती है और जो पति के मर जाने के बाद जो महिला नहीं पहुंची वहाँ आप क्या कहेंगे उसे बच्चलन न कहेंगे जी दूसरा तो कुछ कहेंगे नहीं और मुझे जो लग रहा है कह रहे हैं लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो परिवार का इकलौता मात्र पुत्र था आज ये दिन इस परिवार को देखना पड़ रहा है एक बहन को देखना पड़ रहा है जो हर साल इकलौता भाई की हाथों में कलाइयों में राखियाँ बांधती थी और इसी उम्मीद से कि हमारा भाई हर साल एकदम खुशहाल रहे और उसकी रक्षा होती रहे लेकिन उस माँ का आंसू का क्या होगा उन पिता के आंसू का क्या होगा वो बहन का आंसू का क्या होगा और तमाम जो गांव के लोग हैं इनकी दर्द ज़्यादा घिनौना करतूत हो जाता शायद किसी को उम्मीद नहीं था आप लोग को उम्मीद नहीं होगा कि इस तरह से एक महिला अपने पति के साथ करेगी नहीं उम्मीद था नहीं ना था लेकिन ऐसे महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए चाहे वो महिला हो चाहे कोई और महिला हो लेकिन साहब आप लोग तो फांसी की बात कर रहे कि वो दो महीना का जो बच्चा है शायद उसका परवरिश कौन करेगा हमने के कॉलम से सर परवरिश हाँ हमने के कॉलम से जो बच्चा है 2 साल का इसका हमने के पोसलेम सन बाबू का उनका फांसी के सजा मिले के चाहिए तो मिले के चाहिए देख लीजिए कोख से जलमा बच्चा आपका है और पालने के लिए तैयार दूसरा है दूसरे किसी ने आपका हाथ थमा क्योंकि आपके जिंदगी संवारने के लिए लेकिन आपने क्या किया उसका जिंदगी ही उजाड़ दी उन परिवार का जिंदगी ही उजाड़ दी और इसी के साथ बने रहिएगा अगले अपडेट के लिए तब तक के लिए जय हिंद।